इसके लिए पहले हमें कलर पेपर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पैकेट वाला कलर पेपर लिया है जो 15 या फिर 20 रुपीज़ में आ जाता है। आप चाहते हैं तो दोनों साइड जो कलर पेपर मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो 1 से 2 रुपए में आ जाता है। तो पहले हम इन दोनों पेपर को एक साथ पेस्ट करेंगे क्योंकि हमने वो सिंगल पेपर लिया नहीं है। और इसे आगे से एक बार और पीछे से एक बार फोल्ड कर करके लास्ट तक इसे पूरे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है और अब हमें इसके बीच से इसे पेस्ट कर देना है। हमने इसे यहाँ पे ग्लू लगाया है और अब हम इसे इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसे अभी अच्छे से पेस्ट कर लिया है। बीच में जो मैंने ग्लू लगाया है तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इसकी बाती बनाएंगे। पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसकी बाती बनाने के लिए हमें ऑरेंज कलर का पेपर लेना है जिसे हमें इस पार्ट में कट करना है। अब इसे भी एक के ऊपर एक करके चिपका लेना क्योंकि ये भी वैसा नहीं है। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैंने इसे चिपका दिया और साइड के जो पार्ट्स है उसे मैं कट कर लूँगी। मैंने उसे कट कर लिया है और इसे भी वैसे ही फोल्ड करेंगे। तो अब हमने इसे पूरा फोल्ड कर लिया है और इसे हम बीच से एक कट लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे ये कट लगा दिया है और इस दिए के ऊपरी हिस्से में हमें इसे पेस्ट करना है ताकि एक बाती का लुक में आ जाए। तो ये पेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। आप ये देखिए दीवार में भी ये कितना सुंदर लगता है।